हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूवर्स। सो गाइस, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज मैं आपके साथ स्पेशल करवा चौथ फेशियल का जो ब्लॉग जो है, वीडियो जो है, शेयर करने वाली हूँ। तो पार्लर में जाने से बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो मेरे जैसी मिडिल क्लास फैमिली लेडीज़ जो हैं पार्लर का खर्चा नहीं उठा सकती, तो हम कम से कम घर पे ही अपना फेशियल कर सकती हैं। बहुत मुश्किल नहीं होता है, इजी टिप्स होते हैं जो यहाँ पे बताए हुए होते हैं कि किस तरह से हमने कौन सी लेयर 1x1x1 करके यहाँ पे यूज़ करनी है। तो 10-15 मिनट एक एक ट्यूब से मसाज करना रहता है, और मसाज करने के तरीके भी बहुत इजी होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैंने गुलाब जल ले लिया हुआ है और अपने फेस को अच्छे से पानी से क्लींजर से साफ कर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 4 पैकिंग हैं और 5वां ये मार्क्स है, तो इसको 1, 2, 3 करके मैं अप्लाई करूँगी फेस के ऊपर। और यहाँ पे है ये मेरे पास VLCC की ब्लीच, तो ब्लीच भी मैंने कर लिया हुआ था और उसके बाद मैंने फेस को क्लीन कर लिया हुआ है। तो घर में ही फेशियल करेंगे, क्योंकि बाहर अगर पार्लर में जाएंगे ना तो 1000 से कम नहीं होता है, तो घर में लेके ही आप हम लोग कर सकते हैं। तो लेयर बाई लेयर हम लोगों को आराम से, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से मसाज नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से करना है। और हाँ, हमें अपने स्किन का जो गर्माहट रहती है ना वो निकालनी होती है। स्किन गर्म हो जाती है ना तो ग्लो अच्छे से आता है। तो हमें, देख सकते हैं आप, 1x1 जो है स्टप करने होते हैं। तो कर सकते हैं आप, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घर में करती हैं और मैं भी करती हूँ। मैं पार्लर से बहुत कम करवाती हूँ, तो पैसे बचा सकते हैं हम लोग और अपनी स्किन का केयर भी कर सकते हैं। और भी सारे, बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, घरेलू होममेड जो फेशियल होता है जैसे कॉफ़ी पाउडर से, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो पिछले करवा चौथ पे मैंने वही किया हुआ था, जो अपना कॉफ़ी का रहता है, कॉफ़ी का फेशियल किया हुआ था। तो इस साल मैंने ये मार्केट से लिया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। और आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि कुछ दिन से मुझे फीवर वगैरह आ रहा है। टेस्ट वगैरह मैंने सारे करवाए हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो आप लोगों को आवाज़ से ही लग रहा होगा, और ऊपर से फेस्टिवल भी एक के ऊपर एक, ये महीना, ये मंथ जो रहता है ना पूरा फेस्टिवल का ही रहता है, तो मुश्किल हो जाता है घर की साफ़ सफाई, बाकी सब कुछ संभालना। तो मुझे तो बड़ी टेंशन थी कि करवा चौथ का फास्ट मेरे से कैसे होगा, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी रह रही है, मेडिसिन के बिना मेरा काम ही नहीं हो रहा है। मेडिसिन खा लेती हूँ तो काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल होता है। तो फीवर नहीं जा रहा है, फिर भी क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। तो आप इस तरह से लेयर 1x1 आराम से अपने घर में फेशियल जो है कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत मसाज की मेरी आँखों के नीचे रहती है, क्योंकि फ़ोन की वजह से या बाकी टेंशन की वजह से मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा मतलब हो चुके हैं, तो आँखों में लगती है ये क्रीम। अपनी आँखों को थोड़ा सा बचाइएगा। तो इसी तरह से आप लोग अप्लाई करते जाइए और 1x1 जो है इस प्रोडक्ट का यूज़ करते जाइए। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो वॉइस ओवर करती हूँ थोड़ा बंद। तो देख सकते हैं आप, उसके बाद स्टीम की बारी आती है। स्टीम बहुत ज़रूरी रहता है हमारे फेस के लिए। हम वैसे भी हफ्ते में 1-2 बार स्टीम ले सकते हैं, हल्की सी मसाज करने के बाद स्टीम, और यहाँ पे मैंने स्टीम ले लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि स्टीम के बाद फेस कुछ इस तरह से है। तो उसके बाद मैं अपने फेस को सुखा लूँगी टावल की मदद से, और ये लास्ट स्टेप जो रहता है ना वो स्टीम, और उसके बाद जो पैक का रहता है। तो हमें अभी लास्ट में जो है पैक अप्लाई करना है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी स्किन को अच्छे से सुखा लिया हुआ है, तो टावल की मदद से
वॉश नहीं करना है, बस जो स्टीम लिया हुआ उसी के भाप से स्किन को अच्छे से जो है सुखा लेना है। और उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में जो पैक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पैक लगा लिया हुआ है, तो पैक को टाइट करना है, सुखाना है, सूखने के बाद ही पैक को उतारना है, पानी से, नॉर्मल पानी से धोना है। 10 मिनट में ये पैक सूख जाएगा और बोलना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पे पैक जो है सूख जाता है, और उसके बाद मैं क्लीन कर लेती हूँ स्पंज की मदद से, पहले इसको गीला कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पैक हटा लूँगी। और पैक हटाने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि किस तरह से मेरे फेस के ऊपर हल्का ग्लो आया हुआ है। एक्चुअली क्या रहता है ना, जब भी हम फेशियल करते हैं उससे 2 दिन बाद ही ग्लो जो है दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था मुझे फेशियल करे हुए, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था एक्चुअली। तो देख सकते हैं आप इस तरह से मेरी स्किन जो है दिख रही है आपको। तो लास्ट में मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी रहता है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, उससे हमारे फेस में जो है नमी रहती है और मॉइस्चर बना रहता है। तो लास्ट में मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है फेस के ऊपर, ताकि किसी किसी की स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये मॉइस्चराइज़र नमी बना देता है। तो हल्के हाथों से हमें 5 मिनट मॉइस्चराइज़र से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके मसाज करना है। तो ये लास्ट वाला है। आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो जो मैंने आपके साथ करवा चौथ स्पेशल फेशियल ब्लॉग शेयर किया, आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और ज़रूर अपने घर में खुद ही फेशियल करिए, क्योंकि आपको पता ही है बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें कुछ घरेलू नुस्खे भी यूज़ करने चाहिए। गृहिणी जो रहती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को सोच कर ही चलती है, और खुद के लिए भी थोड़ा, मतलब खुद को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। थोड़ा बहुत हमें खुद के लिए भी अपना टाइम निकालना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं इस तरह से कुछ मेरा फेस दिख रहा है। तो यही था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और फेशियल का रिजल्ट किस तरह से है आप बताइएगा मुझे। कौन कौन फेशियल करता है घर में ये भी बताइएगा। तो ये लास्ट में कुछ पिक्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ।